नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सारदे और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री दादाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास है एक ये डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं और इसको यूज़ करते समय हमें किन किन सावधानी रखनी पड़ेगी, दोस्तों ये सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। तो उस वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है। तो ये देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर और ये इसके मॉडल नंबर लिखे हुए हैं DT9205A। ये इसके मॉडल नंबर है दोस्तों। यह मॉडल नंबर से अपने को नेट पे भी ऑनलाइन भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा मल्टीमीटर कितने का है। और ये लोकल मार्केट में लगभग 400 से 500 रुपए में ये मल्टीमीटर मिल जाएगा। और जैसे लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, उसके ज़रिए भी आप इसको परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की दोस्तों, ये किस किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर को ऑन करने के लिए एक पावर बटन दी हुई है। तो इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा मल्टीमीटर ऑन हो जाएगा दोस्तों। चलो ठीक है, अब हम इसको ऑफ कर देंगे अभी और बात कर लेते हैं इसके अगले फीचर्स की। तो इसमें हमारे जो मल्टीमीटर के कार्ड्स है वो कहाँ कहाँ पे लगेगी दोस्तों, तो हमारे जो ब्लैक वाली कार्ड्स है वो हमारे यहाँ पे कॉमन पे लग जाएगी। और जो हमारे वोल्ट वगैरह मेजर करने वाले और किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग बजर रेंज को चलाने के लिए दोस्तों, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं आप वोल्ट और एक ओम्स का चिन्ह बना हुआ है, जिसपे हम देख सकते हैं ये हमारे वोल्ट का और ओम्स का चिन्ह बना हुआ, यहाँ पे हमारा रेड वाला लग जाएगा। और ये जो दोस्त सॉकेट दिए हुए हैं, ये हमारा दोस्तों एम्पियर देखने के लिए ये सॉकेट दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है ये हमारा मिली एम्पियर देखने के लिए सॉकेट दिया हुआ है दोस्तों। जनरली हम अगर मल्टीमीटर चलाते हैं तो हमको इन दो सॉकेटों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें ज़रूरत पड़ती है कॉमन की और एक ये वोल्ट जो और ओम्स का चिन्ह बना हुआ ये वाली। तो इसमें हमारा ब्लैक वाला कार्ड्स लग जाएगा और इसमें हमारा रेड वाला लग जाएगा। चलिए अब हम ये मल्टीमीटर के कार्ड्स को इसमें लगा देते हैं। तो ये ब्लैक वाला आप देख सकते हैं, तो ब्लैक वाला मैं इसमें लगा देता हूँ। ये ब्लैक वाला इसमें लग गया और ये रेड वाला हमारा ये इसमें लग गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा रेड वाला भी इसमें लग गया। मैंने दोनों मल्टीमीटर के कार्ड्स को इनके सही जगह पर लगा दिया हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से वोल्ट कहाँ कहाँ पर सेट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीसी वोल्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट और ये जो चिन्ह बना हुआ है ये डीसी का चिन्ह बना हुआ है दोस्तों। तो ये बोल्ट डीसी वोल्ट के हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 मिली वोल्ट से लेके हमारा 1000 वोल्ट तक हम डीसी वोल्ट का रेंज हमारी ये वाली है, ये जो वाइट कलर में लिखी हुई है ये हमारी डीसी रेंज दी हुई है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे एसी वोल्ट की। तो एसी वोल्ट के आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डीसी वोल्ट के जस्ट नीचे ही येलो कलर में ये जो बना हुआ है, ये येलो कलर से जो लिखा हुआ है ये हमारा डीसी वोल्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये डीसी और ये एसी वोल्ट का चिन्ह बना हुआ है। तो ये वोल्ट लिखा हुआ और ये एसी का चिन्ह बना हुआ, मतलब ये हमारे एसी वोल्ट हैं। ये देख सकते हैं आप 200 मिली एसी वोल्ट से लेके 700 वोल्ट तक हम इसमें एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब इससे आगे हम चल देते हैं। तो इससे आगे हमारे चलने के बाद हमारा आता है रेजिस्टेंस ओम्स से लेके मेगा ओम्स तक। तो आप देख सकते हैं हमारे ये ओम्स वाली है, ये आप देख सकते हैं हमारे ये जो ब्लू कलर में यहाँ से जो दिया हुआ है 200 से लेके ये 200 एम तक जो बना हुआ है वो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए ये दिया हुआ है दोस्तों। तो ये 200 ओम्स से हम 200 ओम्स से लेके 200 मेगा ओम्स तक हम इसमें रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक डायोड का चिन्ह बना हुआ है और ये जो बजर का है दोस्तों, इससे हम हमारे शॉर्टिंग वगैरह या किसी भी कंपोनेंट्स में शॉर्टिंग तो नहीं है, या वो डायोड वगैरह चेक करने के लिए, ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए हमारा ये चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। तो हम जैसे मल्टीमीटर को इस रेंज पे अगर सेट करेंगे तो इससे हम हमारे ट्रांजिस्टर और डायोड किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे एम्पियर की, जो कि हमारे इन सॉकेटों में लगेगा। तो इसमें जैसे लगाएंगे तो अगर हम इसमें, अगर हमारी रेड वाली कार्ड को अगर इसमें लगाएंगे तो हम हमारे 10 एम्पियर
तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक एम्पियर, ये डीसी का वोल्ट का चिन्ह बना हुआ है, तो ये डीसी के एम्पियर शो करेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये हमारे मिली एम्पियर और एम्पियर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे हम हाईएस्ट इसमें 10 एम्पियर तक डीसी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने एम्पियर तक सप्लाई आ रही है। और ये जो चिन्ह बना हुआ है दोस्तों ये भी हमारा एम्पियर में ही है, पर ये हमारे एसी एम्पियर में है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो येलो कलर में है ये हमारा 10 से लेके ये जो 2 एम है ये यहाँ तक हमारा ये एसी एम्पियर का है। मतलब दोस्तों हमारे ये सारे मल्टीमीटर में जो जो कनेक्शन इंगित किए हुए हैं उस पे हमारे मल्टीमीटर को सेट करके हम उस चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको अगर रेजिस्टेंस रेंज पे सेट करके हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट करके डीसी चेक कर सकते हैं, एसी वोल्ट पे सिलेक्ट करके एसी चेक कर सकते हैं, और एम्पियर पे सिलेक्ट करके एम्पियर चेक कर सकते हैं, एसी एम्पियर पे सेट करके एसी एम्पियर चेक कर सकते हैं, और ये जो डायोड रेंज पे सेट करने के बाद हम इसमें शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट्स में शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग होगी तो हमारा बजर बच जाएगा दोस्तों। तो चलिए हमारी लगभग ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गई है दोस्तों। इसकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट होने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि इसको यूज करने से पहले हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे हमारा मल्टीमीटर लॉन्ग टाइम तक हमारे काम में आए, क्योंकि इसमें कोई भी गलत बोल के चले जाएंगे तो ये मल्टीमीटर हमारा बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सावधानी कैसे रखें। दोस्तों हमें सबसे पहले यह बात का ध्यान रखना है कि हमें मल्टीमीटर चालू करने से पहले हमें यह कंफर्म कर लेना है कि हम किस वोल्ट को इसमें चेक करने वाले हैं। अगर हम डीसी 200 से 300 वोल्ट अगर चेक करेंगे तो हमें हमारे मल्टीमीटर को डीसी रेंज में सेट कर लेना है 1000 वोल्ट पे, क्योंकि दोस्तों अगर हमें मल्टीमीटर पे अगर डीसी 300 वोल्ट चेक करना है तो अगर हम इसको 200 पे सेट करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर कुछ शो नहीं करेगा। हालांकि अगर इसमें अगर छोटे मोटे अगर वोल्ट ऊपर नीचे हों तो इससे हमारे मल्टीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, पर जैसे अगर हमारा डीसी 200 रेंज पे सेट है और अगर हमें 300 डीसी वोल्ट चेक करना है तो हमें इसको 1000 वोल्ट पे सिलेक्ट करना होगा, तभी हम इसमें डीसी वोल्ट अच्छी तरीके से चेक कर पाएंगे। तो अगर जैसे मान लो हमको अगर डीसी वोल्ट चेक करना है तो हमें हमारे मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट पे रखना होगा। अगर हमें हमको जैसे बिजली की मेन लाइन चेक करना है तो हमें पता है कि हमारे जो वोल्ट रहते हैं वो हमारे घर में एसी वोल्ट आते हैं और इसके वोल्ट रहते हैं 220 से 230 के लगभग रहते हैं। तो हमें अगर एसी वोल्ट चेक करना है तो एसी वोल्ट दोस्तों अगर हम 200 पे रख के चेक करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर कुछ भी शो नहीं करेगा। और अगर हमें हमारे घर की लाइन चेक करना है तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर की को एसी 750 पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा मल्टीमीटर हमें एकदम परफेक्ट तरीके से सारे वोल्ट बता सके कि हमारे कितने वोल्ट अभी करेंटली में आ रहे हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस चेक करना है तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जैसे हमें 10 किलो ओम्स का मान लो रेजिस्टेंस चेक करना है तो 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए दोस्तों हमको हमारे मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पे सिलेक्ट करना होगा, तब हमारा मल्टीमीटर हमारे 10 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से शो कर देगा कि ये एक्चुअली में कितने किलो का है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स का है तो हमें ये 2K का ये जो दिख रहा है चिन्ह इस पे सिलेक्ट करके भी हम हमारे 1K का मान ज्ञात कर सकते हैं। और शॉर्टिंग चेक करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि इस पे रख देना है और हमें शॉर्टिंग आसानी से चेक कर सकते हैं। डायोड की, ट्रांजिस्टर की, या किसी भी प्रकार के कोई भी कंपोनेंट्स में या किसी भी प्रकार के सर्किट में शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं हम इस कंटिन्यूटी मोड पे रखने के बाद। तो अगर हमारे सेट में अगर शॉर्टिंग होगी तो हमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साउंड का जो चिन्ह बना हो इससे हमें एक बीप की आवाज़ आएगी और हमारी कंटिन्यूटी पूरी 00 बताने लग जाएगा मीटर। तो चलिए ये हमारी कुछ सावधानियाँ भी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको चालू करते हैं। और सबसे पहले हम हमारे जो मेन लाइन है उसको हम चेक कर लेंगे कि हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ कि ये जो हमारे घर पे जो बिजली आती है वो 220, 230 या 240 वोल्ट रहती है, तो हमें पता है कि एसी
220 से 240 के समथिंग मिलेगी, तो हमें हमारे मल्टीमीटर को एसी 750 पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम मैं इसको 750 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये एसी वोल्ट 750 पे सिलेक्ट कर दिया हूँ। ये देख सकते हैं आप चिन्ह इसका। अब मैं मल्टीमीटर को कर दूंगा चालू। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर चालू हो चुका है। ये हमारे अभी कोई भी वोल्ट शो नहीं कर रहा है। अब हम इसको जैसे ही एसी सप्लाई देंगे तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको लगाता हूँ इसमें। ये मैंने दोनों सॉकेटों को लगा दिया हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 230 231 वोल्ट एसी जो कि हमारे लाइन में आ रही है। आप देख सकते हैं 232 वोल्ट के समथिंग आ रही है। तो हमारा एसी वोल्ट कंप्लीट हुए हैं। और अब हम इसमें चेक कर लेंगे डीसी 12 वोल्ट। डीसी वोल्ट पे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखना होगा दोस्तों। तो मुझे डीसी 12 वोल्ट चेक करना है, तो मैं इसको डीसी 20 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लूँगा, जिससे कि हम डीसी 12 वोल्ट को आसानी से नाप सकें। तो चलिए, मैंने इसको डीसी 20 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं इसमें डीसी वोल्ट नाप लेता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बैटरी के दो वायर हैं, वाइट वाला प्लस है और ब्लू वाला माइनस है। तो मैं अब ये आपके सामने दोनों वायरों को लगा के बताता हूँ कि अभी हमारे पास कितने वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मैं, आप देख सकते हो, ये ब्लू वाले पे ब्लैक लगा दिया हूँ और इस पे रेड लगा दिया हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 12.43 वोल्ट, मतलब लगभग 12.5 वोल्ट डीसी हमारे पास आ रही है दोस्तों। 12.5 वोल्ट हमारे पास डीसी आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे डीसी वोल्ट से भी हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे रेजिस्टेंस की रेंज को। तो रेजिस्टेंस की रेंज को चेक करने के लिए दोस्तों, मेरे पास अभी फ़िलहाल में दो प्रकार के रेजिस्टेंस है, एक 1 के और एक 100 के है। तो मैं सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस 1 के चेक करके बताता हूँ। तो चलिए, आप देख सकते हैं मेरे पास, ये मेरे पास 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो मैं अब मल्टीमीटर को 2 किलो ओम्स पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये मल्टीमीटर को ये 2 किलो ओम्स पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। और आप देख सकते हैं, ये मैं मल्टीमीटर को लगाता हूँ रेजिस्टेंस पे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मल्टीमीटर हमारा बता रहा है लगभग 950 ओम्स, जो कि दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स का है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चलता है, पर ये जो इसका मान है, ये 1 किलो ओम्स है। तो चलिए, मैं आपको दूसरा चेक करके बता देता हूँ। तो मैं अब आपको 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस चेक करके बताऊँगा। तो उसके लिए मैं मल्टीमीटर को 200 किलो ओम्स पे सिलेक्ट कर लूँगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 200 किलो ओम्स पे सिलेक्ट कर लिया हूँ और ये हमारे पास 100 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस है। तो मैं अब इसको लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने रेड वाला और अब ये ब्लैक वाला लगाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, 98.12, मतलब हमारा ये 98 किलो ओम्स बता रहा है। मतलब ये हमारा है 100 किलो ओम्स ही, पर ये हमें 98 किलो ओम्स बता रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस को चेक किए हैं। अब हम चेक कर लेंगे हमारे इस डायोड रेंज पे सिलेक्ट करके हमारे एक ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर दोस्तों हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक अच्छा वाला ट्रांजिस्टर है और एक खराब हुआ ट्रांजिस्टर है। तो हम सबसे पहले इसको डायोड रेंज पे सिलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद दोस्तों, सबसे पहले मैं आप इसको, ये खराब वाला ट्रांजिस्टर है, तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारे ट्रांजिस्टर सही है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको एक कार्ड यहाँ पे रख दिया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, जो कि हमें सभी प्रकार से शॉर्टिंग बता रहा है। तो जैसे शॉर्टिंग बता रहा है, तो हमें एक बीप की साउंड सुनने को मिल रही होगी। आशा करता हूँ आप सुन पा रहे होंगे, इसमें से एक बीप की साउंड आ रही है, जो कि ये शॉर्टिंग बताने पर आती है। तो देख सकते हैं, ये हमारा ये शॉर्ट है। अब मैं आपको एक अच्छा वाला ट्रांजिस्टर चेक करके बताता हूँ, जो कि शॉर्ट नहीं, बिल्कुल ओके है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा इधर से ओपन है
इधर से हमारा कंटिन्यूटी बताएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। और अब हम इधर चेक कर लेते हैं, तो ये इधर से कंटिन्यूटी बता रहा है, इधर से ओपन है, आप देख सकते हैं ये हमारा 1803 है, ये हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो चलिए हम इसको साइड में रख देता हूँ, और अब आपको एक डायोड चेक करके बताता हूँ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायोड है, तो मैं अब इसको चेक करके बताता हूँ, ये डायोड हमारे पास सही है, ये एक साइड से कंटिन्यूटी बताएगा और एक साइड से नहीं बताएगा। तो चलिए मैं पहले आप इसको चेक करके बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें किसी भी प्रकार कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब इस साइड से हमें कुछ रीडिंग शो करेगा, हमने मीटर की कॉर्ड को पलटा के लगाया, तो आप देख सकते हैं हमारा मीटर शो करने लग गया है इसकी डायोड की कंटिन्यूटी। तो दोस्तों हमने एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर और डायोड, ये हमने सभी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताए हैं कि किस तरीके से मल्टीमीटर को यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या सावधानी रखी जाती है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।